आहे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। तो ये देखिए सुबह सुबह मैं क्या कर रही थी, जो बाहर के मेरे चूल्हे है, बाहर के मेरे जो ड्रीम किचन है, मेरे चूल्हे जो मिट्टी की चूल्हे है, उसको जो गोबर देने के लिए, गोबर में लिपाई पुताई करने के लिए मैं उसको पहले झाड़ू लगाती। ये नहाने से पहले करने में अच्छा लगता। वैसे तो मैं रात में नाइटी पहन लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है साड़ी में, तो मैं नाइटी चेंज कर देती हूँ। तो सुबह क्या करती हूँ ना, यही से मैं गोबर से लिपाई मतलब करती हूँ। तो बहुत बार भी करी हूँ। तो ऐसे हम देहाती लोग, जो हम देसी लोग, जो हम गांव टाइप का लोग, जो घरेलू टाइप का हम लोग है, ऐसे हम खुद कर लेते हैं भाई। हम किसी के ऊपर तो निर्भर नहीं करेंगे। ये सब करना आ जाता है हम सब का, आज करके बच्चे को नहीं आता है, लेकिन हम जो हम कर लेते हैं पहले से, गांव से हम पले बड़े हुए ना, ये सब हम सीखे हैं, पहले से ही सीखे हैं। तो ये तो जितना हम जो करेंगे साफ सफाई, जैसे साफ सुथरा करेंगे उतना अच्छा होता है कि नहीं, बोलिए आप ही। तो ये गुरुवार तो गुरुवार दिन का था, गुरुवार दिन में पानी जो दूध को बोलने के लिए छान रही थी। आज मैं लिपाई तो करी हूँ जो किचन में, सॉरी बाहर, लेकिन बाहर आज नहीं बनाएंगे, मुझे थोड़ा लेट भी हो गया ना, तो बाहर आज नहीं करूँगी खाना, सब्जी वगैरह नहीं बनाऊँगी। तो इधर मैं देखिए जो प्रेशर कुकर, कुकर भी चढ़ा दी हूँ। कुकर में क्या करूँगी ना, दालमा जो हम क्या करते हैं, सांभर जो होता है ना, सांभर टाइप का होता है उसको हम, हमारा उड़िया में तो दालमा कहते हैं। सांभर में पड़ता है जो जो इमली पड़ता है ना, इमली डालते हैं, लेकिन हमारा इधर क्या है, टमाटर वगैरह डालकर ही करते हैं, वो अच्छा लगता है। मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत पुराने ब्लॉग में मैं दालमा बनाई हूँ, पुराने वीडियो भी है, तो उसे आपको पता चलेगा दालमा कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए इधर बेटी भी बैठी है, और मैं तो बाल भी धो दी हूँ, बाल को नहीं सुखाई थी क्योंकि बाल गिरेगा इसीलिए। वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। तो अभी माँ है, तो माँ क्या मैं बोलूँ, चलो बने रहे वीडियो पर, माँ है तो खुश लग रहा है, ऐसे टाइम पास हो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? तो बने रही है वीडियो पर, आगे में आगे क्या क्या होगा हमारा। हम हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ का क्या क्या काम होता है आपको पता है, और भी बहुत कुछ है। तो देखिए मैं ना धोकर ये कपड़े को तो सुखा रही थी, अरे मेरी माँ देखिए बागान को इतना साफ कर दी है मेरी माँ, मैं क्या बोलूँ। आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छे से साफ कर दी है। थोड़ा बहुत ऐसे एक घंटा क्या, 2-3 घंटा लग जाती है। सुबह चाय वगैरह पूजा वगैरह कर लेती है, करने के बाद चाय वगैरह पीती है, चाय पीने के बाद ही क्या करती ना, वो तो कोदाल से खुदाई करती है। कोई बहन बोली हाँ मेरी माँ आती है तो मेरी माँ भी हेल्प कर देती है, ऐसे बोली थी, कोई चीज बोल रही थी। तो हाँ माँ लोग को तो पता है बच्चे के घर को कैसे साफ करते हैं, क्या होते हैं। हम कितना भी बड़े बन जाए, हम माँ पापा के लिए तो हम बच्चे ही रहते हैं ना। तो मैं मेरे जो न्यू जो आम गच्छ में लाई थी उसको लगाई थी, उसको देख रही थी, और माँ कर रही थी, तो मैं दाल माँ चढ़ा दी हूँ, और ये सब भी मैं भी लग गई। इधर देखी तो कुछ फूल के पौधे था, तो वो पौधे को मैं उठा दी हूँ। अभी गर्मी के दिन होता है ना, बहुत सारे फूल के पौधे लगा देंगे तो क्या होगा ना, जो मर जाएगा, और बहुत पानी भी मतलब दरकार होगा, इसीलिए मैं उसको फेंक दी हूँ। और इधर से जो सहजन की साग है ना, जो सहजन मुनगा साग,
मुनगा साग में तोड़ रही थी, उसको फ्राई करने के लिए साग भी ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए क्या क्या बना था, दाल मा साग भाजी इधर भी है और ये चला। और हम तो खाना भी वो खा लिए थे उस टाइम और वीडियो नहीं बनाई। और ये था इवनिंग का वीडियो, नहीं नहीं इवनिंग नहीं, दोपहर का, मैं खाना नहीं खाए थे। तो छोटी बच्ची भी आई है हमारे घर, तो उसको मैं सुला दी हूँ। और कुछ जो कपड़े वगैरह मेरा था वो जो धोई थी ना काल वाला ब्लॉग में आप देखे हो, वो कपड़े को फोल्ड नहीं करी थी, एक कपड़े को फोल्ड कर रही थी। ऐसा मेरा काम होता है भाई। और क्या क्या बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो, आजकल क्या होगा, जो हम ब्लॉग में होता है ना, हम हाउस वाइफ है, जो होता है वही वाला हम दिखाते हैं, उससे आगे या ऊपर कुछ नहीं दिखाएंगे। और आगे होली आ रहा है, होली के लिए भी साफ सफाई भी होगा। और मतलब होली में देखती हूँ क्या मैं बनाऊँगी, जो कुछ भी बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए छोटा वाला पिलो है और बच्ची बीच बीच में ए ए ए कर रहती है। छोटी बच्ची को उसकी माँ को तो बोल रही है ले जाओ आपके पास मेरे बच्ची को ले जाओ, मैं यह करूँगी वो करूँगी नहला दो ऐसे बोलती है। तो वो बच्ची के साथ में बात भी कर रही थी और इधर कपड़े को भी फोल्ड कर रही थी। तो ऐसा होता है। और हम औरतों तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं भाई, क्या क्या कब क्या करते हैं हम, मैं नहीं सारे लेडीज होते हैं। तो देखिए बच्ची बीच बीच में ए कर रही थी, तो मैं वो जो टॉवल जो गमछा है गमछा में उसको दिखा रही थी, तो वो सोच रही थी सारे कपड़े भी तो फोल्ड हो गया और मरा, उसको मैं अभी रखूँगी। और जो सोफे की सोफा कवर है, सोफा कवर भी है, उसको भी रखूँगी। और जो और देखती हूँ और भी बाहर भी जाना है। और ये देखिए मेरा टूट गया है ट्राइपॉड, मुझे थोड़ा दिक्कत अभी होगा, क्या करेंगे देखती हूँ। और ये देखिए जो बच्ची है उसको सुला दी थी, कैसे आ गई देख लीजिए कितनी अच्छी है, करती है वो, अटेंशन चाहती है, मुझे पकड़ो मुझे घुमाओ ऐसे बोलती है। और इवनिंग के टाइम में वो तो दोपहर को हम लंच करें और थोड़ा रेस्ट करें, और उसके बाद इवनिंग के टाइम भी आ गई हमारे पास, मतलब बराबर हमेशा शाम तक भी रह जाती है इसे। और शाम इवनिंग में पानी दे रही थी मैं, और माँ भी बागान में लगी हुई है, मेरे बागान का मैप चेंज कर दी है, साफ सुथरा कर दी है, अच्छा है। मैं अकेले नहीं कर पाती थी, मुझे सबका जाना होता है। और मेरे हस्बैंड जी तो बोल रहे हैं मुझे तो टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं भी कर देता हूँ ऐसे बोल रहे थे। मैं बोले हाँ आप तो उल्टा दोगे उलट पुलट कर दोगे, उनको वो करेंगे वो बाबा वो करेंगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगा। एक जो कोदाल में खुदाई करेंगे और बोलेंगे मेरा कमर ऐसे बोलेंगे, तो वो क्या करेंगे। तो हंस रही थी मैं माँ को बोली तो माँ भी हंस रही थी, वो सब कुछ कर देंगे ऐसे बोल रही थी। तो देखिए मैं पानी भी दे रही थी और ऐसा है भाई, पानी नहीं देंगे तो। और सोफा कवर भी लगा रही थी जो था उसको लगा दी हूँ। और मैं क्या बोलूँ, सारे जितना भी मतलब साफ कर दी थी ना वो कवर को इधर लगा दी हूँ, तो सारे कवर को ही मैं सेट कर दी। उसके बाद ही और कुछ तो रात का खाना बनाना है और क्या दे दी हूँ। अभी हो गया है 5:30 नहीं 5:45 हो गया है। तो चलिए ब्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ, रात में क्या करूँगी वही सेम चले। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।